मैं मेरे सीएलसी के उन होनहारों से आपको मिलाने जा रहा हूँ। ये कल पहला एपिसोड था हमारा कैलाश बागड़ा के साथ, जो मदन आजाद से अपने एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर चुका है, और ऐसा एक दूसरा मेरा जेम, मेरा डायमंड मेरे साथ है, पवन। पवन के बारे में बताना चाहूँगा, पवन भरतपुर जिले का रहने वाला है, आपके पिताजी खेती करते हैं, आपने 10th 12th तो वहीं भरतपुर से ही अपना पास किया, 12th पास करने के बाद आप सीएलसी आए, फिर आपने पहला एक ड्रॉप लिया तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, आपका स्कोर रहा 473, 473 नंबर आपका स्कोर रहा। पहले साल आप हॉस्टल प्राइवेट रहे, बाहर रहे, फिर आपने वापस सीएलसी पे विश्वास किया, आप वापस सीएलसी आए, आप सीएलसी हॉस्टल में आए, हमारे बालाजी हॉस्टल में आए, फिर आप वापस संस्था के साथ जुड़े, तो आपका स्कोर 473 से बढ़ के 602 नंबर हुआ। तो निश्चित बात है विश्वास था। पवन एक बात था, जब तेरा पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, 473 नंबर थे, तो तू वापस फिर सीएलसी क्यों आया? तेरे पास और भी लोगों तेरे को मिसगाइड या गाइड किया होगा कि कोटा जाओ, अन्य कोचिंग जाओ, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप वापस सीएलसी आए? क्योंकि बॉस फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था कि सीएलसी में एक्चुअली है क्या। वो तो क्या है, मैं गाँव से आया था तो इतना स्टैंडर्ड नहीं था मेरे पढ़ने का या सोचने का, तो फर्स्ट ईयर में पता चल गया था कि यहाँ सीएलसी में यार पढ़ाते तो स्ट्रीम लेवल तक है, मतलब वही नीट के सिलेबस तक पढ़ाते हैं, कि यहाँ पे पढ़ाते हैं ना उनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा सीएलसी में ज्वाइन कर लेते हैं दोबारा, तो इसी को सोचकर मैं सीएलसी में। और मैंने सुना है कि आपके बायोलॉजी में 341 मार्क्स हैं। हाँ बोल दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, जो लोग नीट को नहीं जानते हैं, वीडियो देख रहे हैं, नीट में बायोलॉजी का पेपर होता 360 नंबर का, 360 का, 360 में से बंदे ने 341 का स्कोर गेन किया है। और एक बड़ी बात जो मेरी पवन से बात हुई, और आपके ये फिजिक्स का एक हवा होता है, तो आपके पहली बार कितने नंबर थे फिजिक्स में? बहुत 70 मार्क्स थे, मात्र 70 मार्क्स है। फिर अगली बार कितने आए? 146। क्या बात है यार, ये तो मतलब फिजिक्स का एक, ये जो मेडिकल की बच्चे या गार्जियन वीडियो देख रहे हैं, फिजिक्स का हवा मत बनाओ। आपने एक ड्रॉप लिया, गाँव से आए थे, आपने स्वीकार किया पहले साल मेरे को समझ नहीं आया, मैं कोचिंग कैसे करूँ क्या करूँ, 70 मार्क्स थे केवल, आउट ऑफ 180। फिर आप वापस सेल से जुड़े, आपका ट्रस्ट था, आप 146 मार्क्स लेके आए। क्या कारण मानते, ऐसा क्या किया आपने कि 70 से आप 146 पे आ गए? एक तो यहाँ सीएलसी में जो रैंक अचीवर हो मॉन्स असाइनमेंट है ना, उसको जो टीचर सॉल्व कराते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, मॉड्यूल को तो कंप्लीट सॉल्व हो सकता है, नहीं भी हो किसी से, और काफी लोग कर भी लेते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि चाहिए कब होता है आपका रैंक अचीव, सेशन के शुरू में, मिड में, लास्ट में? ये लास्ट में होता है, सेशन के लास्ट में, एग्जाम के पास में होता है, तब होता है। मतलब आपकी बात का सारी है, पवन की बात का सारी है कि हमारा सेशन एंड जब हो जाता है मार्च में, उसके बाद सीएलसी का एक अलग से एक हमारा एक वो मिसाइल है फायर करने के लिए, रैंक अचीवर और होम असाइनमेंट के नाम पे, जो हम लोग क्लासेस लगवा के पूरी बच्चे को सोल्ड कराते हैं। तो आप ये मानते हो कि होम असाइनमेंट और रैंक अचीवर में आपका 70 से 146 कर दिया? हाँ, इस वीडियो के माध्यम से जो भी स्टूडेंट इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नीट 5 मई की नीट देने जा रहे हैं, वो सीएलसी के स्टूडेंट हैं या नहीं है, तो भी आप सीएलसी का रैंक अचीवर और होम असाइनमेंट को निकाल लें। आपके पास नहीं है, मेरे किसी स्टूडेंट से आप ले सकते हैं। तो बायोकेम के बायो के डिटेल्स कारण आपका स्कोर आया 341 और रैंक अचीवर और होम असाइनमेंट कारण आपका स्कोर 70 से बढ़ के हुआ 146। और अभी आप एसएमएस में हैं। हां बॉस, आप एक बात बताइए, एसएमएस में 250 सीट हैं, 15% सीट आपकी ओल्डने कोटे से आते हैं, तो पीछे 220 बच्चा स्टेट कोटे से आता है, तो मुझे बताओ अपने सीएलसी कितने बच्चे उनमें ऑलमोस्ट? बॉस एसएमएस में मैक्सिमम बच्चे सीएलसी के ही हैं, अबाउट 50 के करीब सीएलसी का। वेरी गुड, वेरी गुड। और बॉस वहाँ पे सभी स्टूडेंट सीएलसी के हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं, तो सभी को ये पता चल जाता है, सामने वाले कोई भी देखते हैं, हाँ ये सीएलसी ने, ये सीएलसी में पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम एक ग्रुप में रहते हैं, कभी कभी तो हम सीएलसी की बातें करते हैं तो अदर ग्रुप्स भी साइड चेंज कर लेता है कि यार इधर तो सीएलसी वाले हैं, तो और कोचिंग वालों की तो बात चल ही नहीं सकती है। मतलब आप ये मानते हो कि आप मेडिकल कॉलेज में जाके बात करते हो सीएलसी? हाँ बॉस करते हैं। तो अन्य कोचिंग बच्चे करते हैं अपने कोचिंग के बारे में? वो करते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं रुकते हैं, क्योंकि आप अपना अपना एक अपना स्टेटमेंट है। हाँ, आप आपकी वहाँ एक नई जात है, जैसा कल क्लास ने बताया था कि हमारे एक नया टाइटल है, वी आर सीएलसीएन। हाँ वो आपको अच्छा फील होता होगा, सीएलसी प्राउड होता होगा आप पे। हाँ वो हम सीएलसीएन के रूप में ही जानते हैं एक दूसरे को। मैं पवन आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपने भी कोट किया कि सर मैं 10th 12th गांव से करके 12th के बाद आया, तो मेरे को पहले साल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाई। हाँ, तो मैं तेरे को बताना चाह रहा हूँ कि इसीलिए अपने सीएलसी आजकल प्री फाउंडेशन पे आ गया है,
आजकल अपन 8, 9, 10 से ही बच्चों को प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, उसको प्री फाउंडेशन कहते हैं, और 11, 12 फाउंडेशन तो आप जानते हो कहने की बात ही है, जब बरसात तेरे क्लास में बैठे हैं वो 12th के स्टूडेंट हैं, और आपकी शिवांगी तेरे क्लास में बैठे हैं जो 12th के स्टूडेंट हैं, ये सब बच्चे अपना शक्तिराज झाला था जो ग्रांट कॉलेज बॉम्बे है वो 12th का स्टूडेंट है, इसी तरह से वीरेंद्र था वो 12th का साथ था, आपका देवेंद्र था वो 12th के साथ था, तो 11, 12 फाउंडेशन तो है ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से और मैं पवन की बातों से कहना चाहता हूं, दोस्तों आजकल जमाना बहुत फास्ट हो गया है, तो आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो नीट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो अभी भी जुड़ सकते हैं सीएलसी के साथ, कल 24 मार्च से हमारी डायमंड टेस्ट स्टार्ट हो रही है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा रैंक अचीवर, हमारा होम असाइनमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं, अलवर, सीकर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, किसी सेंटर पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और करना चाहता हूँ, 4 अप्रैल से आपकी सीएलसी 8, 9, 10 के लिए प्री फाउंडेशन, 11, 12 के लिए फाउंडेशन, और टारगेट कोर्स आईटी हो चाहे मेडिकल हो, 4 अप्रैल सारे बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? हाँ बोस, मैं गार्जियंस को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ थिंकिंग ऐसी होती है कि यार 8वीं से नहीं, हम तो 12th करने के बाद ही कोचिंग में भेजेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 8th से ही जब प्री फाउंडेशन कोर्स करता है तो उसको नॉलेज उससे पहले से ही हो जाती है, तो उसको आपका सुझाव ये कि 8 से करना चाहिए। अच्छा आप लास्ट किस हॉस्टल में थे? बालाजी हॉस्टल में था। कितने बच्चे थे आप? अबाउट 60 के करीब थे। कितने बच्चे सेलेक्ट मेडिकल में? 40 प्लस से। बहुत, ये सीएलसी हॉस्टल 60 बच्चा होता है, इसमें 40 बच्चे का इनटेक एमबीबीएस में हो गया, तो मैं एक प्रपाउन फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सेलेक्ट होने के बाद भी सीएलसी आप आ रहे हैं, आपका स्नेह हम सबका स्नेह प्यार बना रहे, और आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें। और मैं एक बार बता दूं कि ये एक डायमंड ऑफ सीएलसी के नाम पे हमने सीरीज स्टार्ट की है, इस वीडियो को जो भी मेरे सिलेक्टेड बच्चे देख रहे हैं उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि जब भी फुर्सत हो आप सीएलसी आएं, अपनी बात रखें, लोगों तक हमारी सीएलसी की बात पहुंच सके। हाँ एक बात और करना चाहता हूं, वो सीएलसी में पढ़ा हुआ लड़का आईआईटी मेडिकल सेलेक्ट नहीं भी हुआ हो और भी कहीं बढ़िया सेट है या अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, तो भी उन सबको आमंत्रित करता हूं, स्वागत, आप आए स्टूडियो के अंदर और अपनी बात कहें। वो कहते हैं मोर नाचा जंगल में किसने देखा, हमारी सीएलसी जो काम कर रही है, मैं चाहता हूँ आपकी जुबानी, इन स्टूडेंट्स की जुबानी, सीएलसी की जुबानी वो अपनों तक जाए, लोगों तक जाए, अपनी बात फैले। दोस्तों 4 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे मेरे पवन की तरह मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे अरे गले मिलते हैं, ये मेरे पुत्र तो ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे, मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चे और तैयार हों। हम दोस्तों फिर से कहते हैं जय सीएलसी, थैंक यू।